तो मेरे भाई ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं पहले ये बता देता हूँ कि अगर आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो फिर आपके वीडियो देखने के लिए किसी काम की भी नहीं है, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा ये वीडियो। तो सबसे पहले भाई आप पार्ट वन देखें, पार्ट वन आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ये आई बटन पर भी दिख रहा है, इसको पहले देख लें फिर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। इसके आगे की चैटिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो वीडियो में पूरी तरीके से बना रहना अगर आपने पार्ट वन देख लिया है तो। तो भाई उसके बाद में जब उसने बोला था, उससे मैंने बोला था दिल उससे भी ज़्यादा खूबसूरत दिया, तो उसने बोला था अच्छा जी। फिर मैंने बोला हाय आपकी हर बात पे जी लगाने की जो आदत है सच में बड़ी कमाल की है। तो इसने बोला हाँ तो इस्लाम में इज्जत करना सिखाया है ना, कोई इज्जत देता है, अगर कोई इज्जत भी नहीं देता है तो हम उससे इज्जत से बात करते हैं पर लोग समझते नहीं हैं, और आप इतनी गाली क्यों निकालते हो जी। तो मैंने बोला नहीं देना चाहता हूँ पर कुछ मजबूरी है। तो उसने बोला सही बात है, क्या क्या बताओ, हम दूर कर सकते हैं शायद वो आपकी मतलब दिक्कत। तो उसके बाद मैंने इससे बोला नहीं होगी, FB फाइटर्स के बारे में सुना होगा आपने, मैं भी उनमें से ही एक हूँ और सब छोड़ना चाहता हूँ पर नहीं होता है, कोई हमारे मजहब को गाली दे या इंडिया को गाली दे तो मैं सुन नहीं सकता हूँ। तो उसने बोला हाँ वो तो है। तो मैंने बोला हाँ। तो उसने बोला आपकी पिक मिल सकती है क्या, वो तो मैं राजस्थान से हूँ। तो इसने अपने आप को बताया कि मैं राजस्थान से हूँ। तो मैंने बोला सॉरी। तो फिर उसने बोला कि मतलब अपना विलेज नाम बताओ या फिर ऐसा कुछ करके, उसने मतलब कुछ ऐसा बोला था अजीब सा, मेरे को खुद समझ नहीं आया। अच्छा फिर मैंने बोला अच्छा कहाँ से, तो उसने बोला इट्स ओके। तो प्रतापगढ़, मैंने बोला कि मैं प्रतापगढ़ से हूँ, तो उसने बोला ओके। मैंने बोला नाराज मत होना पर कुछ टाइम बाद दे दूँगा अपनी पिक। तो उसके बाद में उसने बोला ओके। तो मैंने बोला और राजस्थान में, और कहाँ से हो राजस्थान में, तो उसने बोला कोई बात नहीं, मतलब ये यहाँ पर बात समझ भी नहीं आती। फिर देवगढ़ उसने बोला, मैंने बोला अच्छा प्रतापगढ़ का नाम सुना है कभी, तो उसने बोला हाँ। तो मैंने कहा मैंने भी सुना है, तो उसने हंसा, फिर मैंने भी हंसा। फिर उसके बाद में उसने बोला अच्छी बात है, फिर मैंने बोला हाँ। तो उसने बोला और, तो मैंने कहा कि बस ज़िंदगी काट रहे हैं। तो इसने बोला क्या डिलीट करा, तो मैंने बोला अपने दिल के जज्बात डिलीट किए। तो भाई यहाँ पे भी आप ऐसे डायलॉग्स मार सकते हो थोड़ा थोड़ा, जब चैटिंग तुम्हें लगने लगे कि हाँ बोरिंग सी हो रही है तो एक ऐसी सी मतलब ऐसा कुछ भी कर सकते, कोई मैसेज करके डिलीट कर सकते हो, ये भी एक ट्रिक है अच्छी सी, अगर आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो। फिर उसके बाद में इसने बोला और खाना खाया, तो मैंने बोला हाँ, और आपने, तो इसने बोला हाँ खा लिया। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे खाना खा लिया, खाना खा के बहुत बड़ा एहसान कर दिया है खाने पे। तो इसने बोला हाँ और क्या, तो मैंने बोला अच्छा सैड सैड काहे लग रही हो, क्या हुआ। तो इसने बोला हाँ यार लड़ाई होगी अभी से। तो फिर मैंने बोला उफ आप बिना, तो इसने बोला क्या, तो मैंने बोला कुछ नहीं। तो उसने बोला ओके जी, तो मैंने ओके जी वाह अब तो ओके का भी, ओके जी वाह अब तो ओके को भी इज्जत मिलने लगी है। तो इसने ऐसे इमोजी भेजी, मैंने बोला चलो आप हैप्पी हो जाओ जल्दी से। तो इसने बोला हाँ, मैंने बोला याद है ना हम का फुल फॉर्म, तो बोली अरे हाँ। तो यहाँ पे उसका मूड थोड़ा सही हो गया। तो फिर मैंने इससे अगले दिन मैसेज किया, फिर उससे बोला ट्विंकल ट्विंकल लेजी स्टार कितना सोएगी, उठ जा यार अप अबाव द वर्ल्ड सो हाई, सुन हंस सन हैज़ राइजन इन द स्काई, उठ के जल्दी चाय पी लो। तो कुछ मेरे को भी समझ नहीं आया, लेकिन ये जो डायलॉग है ये नीरज भाई का था, मैंने थोड़ा सा अजीब कर दिया इसको, इसकी इज्जत डाउन कर दी, सॉरी भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो, या फिर उनके कोई सब्सक्राइबर भैया देख रहे हो तो। उसके बाद में उसने हाय बोला, तो मैंने इग्नोर मारा, फिर एक ऐसे इग्नोर मारता रहा। फिर उसके बाद में एक दिन फिर उसने हाय बोला, तो उस दिन मेरे को टाइम था तो मैंने उससे चलो बात करते हैं। तो उसके बाद में मैंने बोला हाय, तो उसने बोला हाउ आर यू, मैंने बोला HRU लिखा उसने, तो मैंने कहा हरू शुरू करू। तो उसने बोला क्या, दिल की बात है दिल ही जाने बस। तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही शुरुआत में अगर इंप्रेशन अच्छा डालते हो तो फिर कोई भी लड़की आपसे आसानी से बात करने लगी और ज़्यादा देर तक टिकेगी बात करने में। तो यहाँ से मैंने स्टार्टिंग कर दी, तो उन्हें बोला अच्छा जी ओके जी। तो मैंने बोला और सुनाओ क्या कर रहे हो, तो इसने बोला कुछ नहीं सो रही हूँ। तो मैंने बोला हाय अकेले अकेले, हाँ तो हब भी कहीं गए हैं, मैंने बोला हाय जाने दो, तो इसको यहाँ चाय वाला चाय पी लो। तो इसने बोला नहीं मैं नहीं पीती, क्यों कुछ नहीं पीती, कुछ तो मैं भी नहीं पीता हूँ चाय और पानी पीता हूँ। तो इसने बोला अरे यार ओके, ने कहा है अल्लाह ये गुस्सा हो गई मेरे पे। तो बोली नहीं वो गुस्सा, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, मैं अच्छा तो प्यार करना आता है। तो बोली हाँ सबसे प्यार से ही रहती हूँ। तो मैंने कहा और मैं मास्क में रहता हूँ, तो भाई कोरोना वायरस चल रहा है तो जितना कोशिश हो सके मास्क लगा के चलो, यहाँ पे भी अच्छी सी ज्ञान दे रहा हूँ मैं कोरोना वायरस के बारे में। तो उसके बाद में इसने बोला अच्छी बात है जी, बात तो अच्छी होती है मेरी, बुरी तो होती ही ना है। तो इसने बोला फिर ऐसा इमोजी भेजा, मैंने हाँ इतना रोमांटिक मत होया करो। तो बोली पता नहीं क्या बोलते रहते हो, इमोजी की भाषा जानता हूँ मैं इसलिए बोला। तो इसने बोला अच्छी बात है जी, तो मतलब कुछ खिला दो तो टेस्टी टेस्टी। तो फिर उसके बाद में इसने बोला क्या खाना है बोलो, मैंने कहा गुलाब जामुन। तो इसने बोला गुलाब जामुन हाँ। तो उसके बाद में उसने बोला ओके बनाती हूँ आ जाओ देवगढ़।
देवगढ़ वहाँ आते आते पुलिस वाले मेरा गुलाब जामुन बना देंगे। तो उसने हंसा, फिर यहाँ पे हंसी वाली स्टार्टिंग हो गई। तो भाई आप भी बीच बीच में हंसाते रहो, आपको मैं इस चैट में यही दिखाना चाहता हूँ कि आप ऐसे बातें कर सकते हो, इससे आप इंटरेस्टिंग बन सकते हो और ज़्यादा देर तक बातें चलेंगी, जिससे लड़की आपसे आसानी से पट जाएगी, जैसे इसको मैंने पटाया। तो अभी लास्ट में दिखाता हूँ मैंने इसको कैसे पटाया। तो वीडियो अभी तक अगर देख रहे हो तो देखते रहो मेरी जान। उसके बाद मैंने इससे बोला, आपकी हंसी बहुत प्यारी लगती है, मुझे ऐसा लगता है जैसा गुलाब जामुन की चाशनी में जलेबी बन रही हो। तो यहाँ पे भी देखो कितना मस्त डायलॉग मारा ना। उसके बाद में इसने बोला अच्छा, तो मैंने नहीं ख़राब, जब कोई लड़की अच्छा बोले तो आप बोल सकते हो ख़राब, कुछ भी ऐसा बोल सकते हो। उसने बोला ओके, तो मैंने ओके टू, क्या हुआ, वैसे कल मैंने आपकी पिक मांगी थी, उफ अल्लाह रुको। तो फिर उसके बाद में इसने बोला हाँ, तो मैंने बोला पिक से क्या होगा। तो उसने बोला यूँ ही शक्ल देखूँगी आपकी। तो फिर मैंने कहा अच्छी नहीं है। तो उसने बोला मुझे क्या शादी थोड़ी नहीं करनी है, लेकिन लव हो गया तो? तो उसने बोला नहीं। मैंने ओके देख लो यार स्टोरी पे जितने भी, फिर यहाँ पे इस मैंने अपनी फ़ोटो सेंड की। फिर उसके बाद मैंने इसको बताया कि स्टोरी पे जितने वीडियो हैं ना वो सब मेरे ही हैं और आप पिक की बात करते हो। तो भाई अगर आप चाहते हो फेसबुक पे मेरे को मैसेज करना या फिर ऐसा कुछ करना चाहते हो, आपकी कोई दिक्कत है, कुछ भी परेशानी है, तो आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो और मेरा एक पेज भी है, उस पर आप जा सकते हो। वहाँ पर भी अच्छी अच्छी बातें बताता रहूँ, लव टिप्स देता हूँ, लव फैक्ट्स बताता हूँ। उसके बाद में अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया मेरे भाई अभी तक, तो फिर कर क्या रहे हो यार। आपकी भी कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी है, अगर आपकी कोई परेशानी भी नहीं है तो वहाँ पे अगर आप आते हो तो आपको रोज़ रोज़ नए नए एकदम मोटिवेट करने वाले बढ़िया से बढ़िया लव टिप्स मैं लिख लिख के देता हूँ। उसके बाद में भाई इसने बोला कि मस्त हूँ, तो मैंने बोला हॉट हूँ ना, तो इसको मैंने इसने बोला कि मस्त हो, तो मैंने कहा हॉट हूँ ना एकदम गर्म मसाला, तो बोली हाँ सब हॉट हो आप, अब तो आपकी बारी, कहाँ गायब हो गए, यही हूँ, आपको देख सकता हूँ क्या मैं? तो इसने बोला हाँ पिक भेज रही हूँ, नेट स्लो चल रहा है। तो फिर मेरा नेट तो ख़त्म ही नहीं होता है, पता नहीं क्यों, शायद कोरोना की वजह से काम ये मतलब ऐसा अजीब से मैंने पता नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा आपको क्या समझाऊँ, अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। उसके बाद में उसने बोला हाँ, तो मैंने बोला कुछ कुछ होता है आपसे बात करके। तो इसने बोला क्या होता है? जैसे मुझे दिन में चाँद दिखता है और नाइट में सूरज, रात में नींद नहीं आती और दिन में बहुत आती है। तो इसने बोला अच्छा। तो यहाँ पर भाई एक मस्त सा डायलॉग मारा ना। उसके बाद में उसने बोला कि जब इसने अपनी फ़ोटो सेंड की तो मैंने बोला वाओ बहुत अच्छी पिक लग बहुत अच्छी है पिक, लगता है आपको बनाने में ऊपर वाले ने तीन तीन दिन एक्स्ट्रा लिए होंगे, इतनी तारीफ़ काफ़ी है ना? तो उसने बोला हाँ बहुत है, थैंक यू तारीफ़ करने के लिए। तो मैंने कहा हाँ जी, तो बहुत कुछ करने को करता है, ये तो सिर्फ तारीफ़ है। तो इसने बोला ओके चलो बाय। तो मैंने कहा क्यों, बोलिए कुछ काम है? तो मैंने कहा ओके जाओ, मैसेज मैं करूँ तभी करना, ओके? तो मैंने कहा हाँ पगलू बाय, जाओ ना, नहीं करूँगा। तो उसके बाद में उसने बोला ओके बाय। फिर उसके बाद में अगले दिन उसने मैसेज किया, उसने बोला हाय। तो मैंने कहा हेलो। तो उसने कहा एच आर यू? तो मैंने कहा एफ आर यू, हरू फरू। तो उसने बोला ओके और सुनाओ, खाना खाया? मैंने कहा अभी टाइम मिला आपको मुझसे बात करने के लिए? हाँ कब का खा लिया? तो बोली अरे मेरी ननद उनके बच्चे सब घर पर थे तो टाइम नहीं मिला। तो मैंने कहा अच्छा, सबकी फिक्र है बस मेरी ही नहीं है, खाना खाया आपने? तो उसने बोला हाँ। तो भाई यहाँ पे आप पूछ सकते हो, उससे आपको उसको लगेगा कि आप उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हो, है ना? तो यहाँ पे उसको दिखाते भी रहो कि आपको उसकी कितनी ज़्यादा फिक्र है। तो फिर उसके बाद मैंने लगा कुछ ना आपको ही याद कर रहे थे, बस आपका मैसेज आ गया। तो उसने बोला अच्छा, मुझे क्यों याद कर रहे थे वैसे? मैंने कहा आदत हो गई ऐसे ही। तो उसने कहा ओके, फैमिली में कौन कौन है? मैं, मम्मी, पापा। तो उसने कहा बस? मैंने कहा हाँ ओके जी, बाकी जो है वो अपने घर पर ही रहते हैं। तो उसने कहा सही है गलत? फिर मैंने कहा गलत तो मैं कभी बोलता ही नहीं। तो फिर उसने बोला हम सोए नहीं अभी तक? मैंने कहा नहीं। तो उसने बोला ओके जी। मैंने कहा या और बताओ? फिर उसने कहा और? तो मैंने कहा और छत पे नाचे मोर। तो उसके बाद में इसने हंसा, मैंने कहा नहीं मैं मास्क पहनूंगा, आप मत पहनो चाहे। तो जब इसने ये वाली इमोजी भेजी तो मैंने कहा मैं मास्क पहनूंगा आप चाहे, गंदी बात तो मैं, फिर उसके बाद में इसने बोला अच्छी बात, मैंने कहा गंदी बात तो मैं कभी बोलता ही नहीं। तो उसने बोला ओके। मैंने कहा हम फिर इसके बाद में इसने मेरा ही डायलॉग मेरे पे ही चेप दिया कि हम का मतलब तो पता है ना आपको? तो मैंने कहा हाँ मेरा डायलॉग मुझ पे ही, वाह। तो बोली हाँ सीख गई और क्या? मैंने कहा हाँ अभी तो बहुत कुछ सीखना है आपको। तो इसने कहा अच्छा? मैंने कहा हाँ बच्चा। तो उसने कहा बच्चे तो मेरे हैं। मैंने कहा कितने? तो उसने बोला एक। तो इसका बच्चा भी है भाई, शादीशुदा है ना, तो इसका बच्चा भी है। तो उसके बाद मैंने यार आपने बड़ी जल्दी कर लिया, सब कुछ मेरा इंतज़ार नहीं कर सकते थे क्या? तो इसने कहा अच्छा, क्या तुम्हारा इंतज़ार करती मेरी शादी में डांस करने आते? मैंने कहा ये अच्छा बार बार बोलने से कोरोना नहीं होता क्या? तो इसने अपने बच्चे की इमोजी बोला मैं फ़ोटो भेजी। तो इसने कहा नो। मैंने कहा डांस नहीं? तो इसने बोला तो कोरोना की वजह से साहद साहब पर केस हो गया, बहुत गुस्सा आ रही है मुझे। तो
तो उसने बोला ये, क्योंकि ये मुसलमान थी तो यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल हो सकते हैं उसके मजहब को लेकर के, इसलिए मैंने ऐसा बोला। फिर उसके बाद में मैंने कहा दूल्हे के होश खाली थी उस वक्त। तो उसने बोला अच्छा। तो फिर से इसने अपनी लड़की वो भेजी पिक जो भी है। तो उसके बाद में मैंने बोला वाह नाइस। तो उसने बोला थैंक यू, हाँ मुझे कबूल है। तो इसने बोला क्या, थैंक यू का फुल फॉर्म तुम है, टी का मतलब तुम और क्यों का मतलब कबूल, तुम कबूल, हाँ मुझे कबूल है। तो इसने बोला थैंक यू का पूरा मतलब थैंक्स होता है, वो आपके हिसाब से होता है, मेरी इंग्लिश अलग है। तो इसने बोला ओके। तो मैंने इतनी नाइट में क्या पापा की परी वाली फीलिंग आ रही है क्या, बोलिए नहीं नींद आ रही है। मैंने कहा इमोजी के हिसाब से तो ऐसा लगता है मुझे, अच्छा तुम्हारे हॉबी, हबी की जगह मैंने हॉबी लिख दिया। मैंने कहा कि हबी सो गए क्या, तो बोली हाँ मैं अभी फ्री हूँ काम से। मैंने ऐसा क्या काम कर दिया, कोरोना की दवाई बना रहे थे क्या? तो इसने बोला नहीं घर का काम। मैंने कहा अच्छा, मतलब कि मैं तो रख लूँ, मुझे रख लो काम पर, मैं पूरा दिन फ़ोन चलाना कर दूंगा, सब कम सैलरी लेना चाहिए, बस यही शर्त है, मतलब कि सामने बैठ जाना जब मैं काम करूँ। तो मतलब इसका कहना, मतलब एक फ्लर्टी सा था बात है जो मेरे को खुद समझ नहीं आ रही है, आपको कैसे बताऊँ। तो इसने पता नहीं क्या क्या भेजा, इसका क्या करूँ मैं, तो बोलिए काम कर रही हूँ। तो फिर मैंने कहा कि काम तो सब खा होता, मोटा होना को लगता है, पता नहीं क्या है। तो उसके बाद में इसने बोला कि नहीं सुबह के लिए भोजन भाई जो ना है, सुबह के लिए भिगोना है, सब खाते हैं ना सुबह, अच्छा। तो उसके बाद में मैंने बोला हाँ क्या कहते हो इस बारे में। तो इसने बोला मैं सारा काम कर लेती हूँ, वैसे किसी की हेल्प पसंद नहीं है। तो मैंने बोला अच्छा, वेरी टैलेंटेड है आप तो, अवार्ड मिलना चाहिए आपको। तो इसने बोला हाँ लेकिन मिलता नहीं है, पढ़ाई करो, घर का काम करो, बच्चे को संभालो, अल्लाह बचाए। तो मैंने कहा पढ़ाई करते हो आप? उसने बोला हाँ। तो मैंने कहा कॉलेज? बोली हाँ BCA फाइनल ईयर। तो मैंने कहा वाह यार मज़े आपके तो। बोलिए क्या मज़े हैं, परेशान हो जाती हूँ, अच्छा देखो सब सो गए हैं और मैं काम कर रही हूँ। तो ये यहाँ पे बताने लगी अपना मतलब सब कुछ कि मुझे ये दिक्कत है, ये परेशानी है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इसको मत देखो आप, पढ़ो ही मत। तो इसने बोला देखो मैंने बनाई है आज। तो इसने कुछ ऐसा बनाया था यहाँ पे तकिया वकिया टाइप का। तो मैंने बोला वाह यार बहुत मस्त है सच में, मैंने इससे अच्छी तो आज तक नहीं देखी कभी, तो यहाँ पर तारीफ़ कर सकते हो। उसके बाद में इसने बोला हर कुछ बोलते रहते हो, अब ऐसा क्या बोलना, मैंने जो सैड हो गई, अच्छा लगा तो बोला ना तो बहुत अच्छा है। तो इसने बोला अरे, फिर मैंने बोला अरे सच में यार? तो बोलिए वैसे क्या करते हो आप, स्टडी या जॉब? कुछ ना, स्टडी छोड़ दी और जॉब मुझे घर वाले करने नहीं देते, पापा का कहना है कि जब तक मैं रहूँगा तब तक जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी कोशिश कौन सी जॉब करनी है, MBA चलानी है बस। तो उसके बाद में इसने बोला ओके गुड नाइट, सो जाओ, अब नींद आ रही है, सुबह बात करती हूँ। तो मैंने कहा हाँ सो जाओ। तो इसने बोला गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। मैंने बोला और? तो इसने बोला बाय। मैंने बोला नहीं बोलो और। तो बोलिए क्या, मुझे नहीं पता। तो इसने बोला ओके सो जाओ। तो यहाँ पे ये सब हो गया। तो इसने बोला गुड मॉर्निंग। तो मैंने बोला गुड आफ्टरनून होने वाला है, इतनी लेट मॉर्निंग। तो इसने बोला, फिर यहाँ पे बात ही नहीं हुई। फिर उसके बाद में मैंने इसको बोला हेलो। तो इसने बोला हाय। तो मैंने कहा बड़े लोग? बोलिए नहीं, बड़े लोगों के पास टाइम नहीं होता। बोली बीमार हो गई थी यार, तो कुछ दिन बात नहीं, इसलिए मैंने बोला कि बड़े लोग। तो बोलिए अच्छा ठीक हो गए? तो बोलिए जी हाँ, बीमारी भी क्या क्या करे, उसे भी आपके आपसे मोहब्बत हो गई होगी। तो इसने बोला हाँ कुछ और, हाँ हर कुछ, नहीं सच में। तो बोली ओके चलो, किसी को तो मोहब्बत हुई हमसे, मेरी तारीफ़ कर रहे हो शायद। जब इसने बोला हाँ किसी को मोहब्बत हुई, तो मैंने कहा मेरी तारीफ़ कर, नहीं बीमारी की, क्यों हमें नहीं हो सकती क्या? तो बोलिए नहीं क्यों, मैं क्या जानवर? तो इसने बोला नहीं मैं, पर मैं शादीशुदा हूँ इसलिए। तो मैंने कहा ये बात दिल को थोड़ी पता है, वैसे भी प्यार अंधा होता है। तो भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट बना देता हूँ, है ना? तो नेक्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका भी आप जाके देख लेना।